हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है हिंदी रेसिपीज में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ढोकला कैसे बनाते हैं सारी सीक्रेट और छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ढोकले को आप जिस बर्तन में भाप देने वाले हैं उस पे आप तेल लगा ले। तो यहाँ पर मैं एक केक टिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 7 इंच का केक टिन है स्क्वायर शेप में। आप चाहें तो स्टील की थाली यूज़ कर सकते हैं, स्टील के डब्बे का ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बहुत बार यूज़ करती हूँ। अब एक बर्तन में ले 2 कप बेसन। मैं यहाँ पर रेडीमेड बेसन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घर पर बना हुआ बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर डालें 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड, इसे नींबू का फूल भी कहते हैं। ये बहुत आसानी से किराना दुकान में मिल जाता है, इसकी जगह नींबू का रस डालेंगे तो वो बात नहीं आएगी। 4 टीस्पून चीनी। फिर डालें 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिला लें। 4 टीस्पून चीनी डालने से आपके ढोकले में बहुत मिठास नहीं आएगी, तो जो 4 टीस्पून चीनी है वो आप स्किप ना करें। उसके बाद डालें पानी, तो एक समय पर आप थोड़ा सा पानी डालें ताकि बेसन की गुठलियाँ जो है वो सारी निकल सकें। मैं मेजरिंग कप्स एंड स्पून यूज़ कर रही हूँ, तो 1 कप का मेजर है 240 ml, तो उसके हिसाब से ही मैंने बेसन पानी सब चीज़ें मेजर की है। तो यहाँ पर जो मैं पानी यूज़ कर रही हूँ ये है टोटल 1 और 1/4 कप। जो ढोकले का बैटर होता है, अगर इसे आप ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे, पकौड़े जितना भी गाढ़ा रखेंगे, तो भी आपका जो ढोकला है वो काफ़ी मोटा मोटा सा बनेगा कि आपको निगलते वक्त दिक्कत होगी। इसीलिए जो ढोकले का बैटर है, ये घोल है, ये कितना पतला है, सही है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब बैटर स्मूथ हो जाए लेकिन गाढ़ा हो, उस समय डालें 4 टीस्पून तेल। इस समय अगर आप तेल डालेंगे तो आपको इसे इस घोल में मिलाने में दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप सूखे ही बेसन में डाल देंगे तो ज़्यादा गुठलियाँ बनेंगी। तो इस तरह से जब बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब आप तेल डालें। अगर आपके पास हैंड विस्क है उसका इस्तेमाल करें, बहुत ही जल्दी गुठलियाँ निकल जाती हैं। अब इसके बाद बचा हुआ पानी भी आप डाल दें। आप चाहें तो बचा हुआ पूरा पानी इस समय एक साथ डाल के मिक्स कर सकते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा एक समय पर मिक्स कर सकते हैं। हमारा ये बैटर बस तैयार है। जैसे ही आपका स्टीमिंग वाला भाप वाला पानी उबलने लगे उसके बाद ही आप इसमें सोडा डालें। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। 1 टीस्पून सोडा डालें, और सोडा डालने के बाद ये बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप इसे एक ही दिशा में घुमाएं, और हाथ से अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा आएगा। बैटर को एक ही दिशा में मिक्स करें, बोल बड़ा ले क्योंकि बैटर फूलेगा। जैसे आप मिक्स करेंगे आपकी उंगलियों को पता चलेगा कि बैटर पहले गाढ़ा था और उसमें अब हल्कापन महसूस हो रहा है। तो एक काफ़ी हल्कापन जब महसूस होने लगेगा और बैटर 2 से 3 गुना हो जाएगा, तब आपका बैटर तैयार है। आपको 15 से 16 सेकेंड लगेंगे मिक्स करने में। फिर मीडियम से हाई फ्लेम पर आप इसे 15 मिनट तक स्टीम करें। तो स्टीमिंग के दौरान आप इसे बिल्कुल भी खोल कर ना देखें, और जब 15 मिनट हो जाएंगे उसके बाद भी 5 मिनट रहने दें गैस बंद करके, उसके बाद ढक्कन हटाएं। तड़के के लिए 2 से 3 टीस्पून तेल गरम करें। आप चाहें तो छोटी कढ़ाई ले लें या कड़छी ले लें। फिर इसमें डालें 3/4 टीस्पून राई और 8 से 10 कड़ी पत्ते। यहाँ जो मैं कड़छी यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ी बड़ी है, आपको शायद इतना समझ नहीं आ रहा होगा, पर ये थोड़ी सी बड़ी कड़छी है। फिर इसमें डालें 1/2 कप पानी। इस तरह से ढक्कन तुरंत रख ले थोड़ा सा पानी डालने के बाद, इससे जो भी छींटे हैं वो उड़ के आपका जो गैस है वो ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद जैसे ही ये शांत हो जाए फिर बचा हुआ पानी डालें, और थोड़ी सी चीनी, लगभग 1 टीस्पून चीनी। आप चाहें तो इस स्टेज पर स्किप कर सकते हैं, नहीं पसंद तो ना डालें। ढोकला इतना ठंडा हो गया है कि मैं इसके मोल्ड को हाथ लगा सकती हूँ, गुनगुना सा है। जो किनारे हैं ये अपने आप निकल आएंगी, वरना आप चाकू घुमा सकते हैं साइड्स में, और इस तरह से साइड से आप टैप कीजिए, भले ही फिर वो थाली हो, तो जो ढोकला है आसानी से निकलेगा। उसके बाद इसे मैं अब निकाल लेती हूँ। अब इसी में तड़के का पानी मैं नहीं डाल रही क्योंकि मोल्ड के भी ऊपर ढोकला उठ गया है, अगर मैं कुछ भी तड़का डालूंगी तो वो शायद साइड से गिर जाए। तो पहले मैं इसे निकाल रही हूँ थाली में, और थाली में इसे निकालने के बाद अगली चीज़ जो हम करेंगे वो करेंगे इसे कट। ढोकला कट करने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही गुदगुदा सॉफ्ट और स्पंजी बना है, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है, वरना जो पीसेस है साइड के वो गिरने लगते हैं। ये इतना हल्का बनता है, ये देखिए कितना अच्छा जालीदार बना है, और ये सारी तरफ एक समान है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा लग रहा है और कहीं पर बिल्कुल जाली ही नहीं है। सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स को सही से नापना ज़रूरी है, पर उसके साथ बैटर सही होना चाहिए। सोडा डालने के बाद जो मिलाने का तरीका है
वो भी सही होना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ढोकला हर बार अच्छा बनेगा। ये देखिए, इस तरह से कट करने के बाद जो तड़के का पानी है वो अच्छे से ढोकले के अंदर तक जाएगा। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ तड़के वाला पानी। तो पहले पहले मैं सब राई और कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता सूखा वाला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, अगर आप ताज़ा यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। जो हम दुकान से ढोकला खरीदते हैं, मिठाई की दुकान से, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से ये सिरप यानी ये जो पानी है ये डाला होता है तड़के वाला, तो आप भी डालें। अगर आपका ढोकला सही तरीके से बना है, स्पंजी बना है, तो ये सारा पानी सोख लेगा और ढोकला बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा। खाते समय गले में अटक रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये देखिए, जाली मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, अब मैं ये दबा के दिखाती हूँ पीस आपको। ये देखिए, बिल्कुल भी गीलापन इसमें नहीं है, पूरा जो स्पंजीनेस है ये दबाने के बाद वापस से अपने शेप में आ रहा है, मतलब ये एकदम परफेक्ट ढोकला बना है। आप इसे चटनी के साथ परोस सकते हैं, इमली की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, आप इसके साथ तली हुई हरी मिर्चें भी परोस सकते हैं। तो सारी टिप्स फॉलो करें और बनाएं ये मज़ेदार चीज़ घर पे एकदम आसानी से। और हाँ, हल्दी मैंने नहीं डाली क्योंकि हल्दी सोडे के साथ रिएक्ट करती है और लाल रंग के धब्बे ढोकले में आ सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हिंदी रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।